और यहां रुक करेंगे हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उनसे बहुत आगे है, किसी भी फील्ड में बात कर लो आप। युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जब मैं एमएलए बना था तो उस समय सिर्फ 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे यहां पे, आज कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी कॉलेज नहीं था, आज कितने डिग्री कॉलेज हैं? 3 डिग्री कॉलेज हैं, बीटन में डिग्री कॉलेज, हरोली में डिग्री कॉलेज, खड में डिग्री कॉलेज। 5 साल बीजेपी का राज रहा लेकिन हरोली के डिग्री कॉलेज का काम नहीं शुरू हो सका। अब आप देख रहे हैं कि किस रफ्तार से गगनचुंबी जो है इमारत बन रही है। यहां पे लॉ कॉलेज बनाया तो हमने बनाया, लोग वकील बनने लगे। नर्सिंग कॉलेज बनाया तो हमने बनाया तो लड़कियां नर्सें बनने लगी। सेंट्रल स्कूल खोला तो हमने खोला, स्लो में सेंट्रल स्कूल खोला, आज मैं देखता हूं कि उसकी एडमिशन के लिए मारामारी चल रही है। और बीजेपी वाले कुछ लोगों को इसी बहकावे में अपने साथ जोड़ रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है हम जो है उसको सीट दिलवा देते हैं एमपी की। अरे एमपी तो तब सीट दे रहा है जब मुकेश अग्निहोत्री ने सेंट्रल स्कूल खोला। सेंट्रल स्कूल किसने खोला? मुकेश अग्निहोत्री ने खोला, किसी का योगदान नहीं है। ट्रिपल आईटी किसने खोली? मैं सुन रहा था अनुराग ठाकुर जी का कि हमने ट्रिपल आईटी खोल दी। अरे आप तो स्लो में ट्रिपल आईटी खोलने के विरोधी थे, आपने अखबारों में बयान दिया, आप तो कहीं और ट्रिपल आईटी ले जाना चाहते थे। ट्रिपल आईटी की घोषणा मनमोहन सिंह जी ने की थी और उसको यहां पे लाने के लिए जो है जो जद्दोजहद हुई उसके लिए जमीन जो है सलो में हमने उपलब्ध करवाई, आपका कोई योगदान नहीं है। उस ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ रुपया मुकेश अग्निहोत्री ने उपलब्ध करवाया, तब जो है उसका काम शुरू हुआ। दूसरे के गोदाम का माल बेचना चाहते हैं, अपनी दुकान खाली है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने पालक माँ में बढ़ा के तैयार किया, अब हमारा ट्रिपल आईटी के साथ नेगोशिएशन हुआ है, उनके साथ समझौता हुआ है, वहां पे हर साल बच्चे ट्रेंड हुआ करेंगे। 25 करोड़ रुपया हमने लगाया तब वो संस्थान बना। आज जो सरकार बनने के बाद इस दफा हमने ऑडिटोरियम पालकवा में बढ़ाया, वो चंडीगढ़ में था ऑडिटोरियम, उसको उठा के लाए और हमने पालकवा में बना के तैयार कर दिया। रिकॉर्ड टाइम में हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कि खासतौर पे किसी भाजपाई की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जनता जानती है कि काम किसने किया है। आप लोग जानते हैं हमने जो पत्थर लगाए हैं आपके दिलों पे लगाए हैं, आपका दिल पता, आपको पता है कि विकास कैसे हुआ।